हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 29 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। तो पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर चलते हैं डिस्कशन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है वो आया है हड़प्पन सभ्यता के सील को लेकर या मोहर को लेकर क्वेश्चन है वो आया है। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मोहर या जो सील यूज की जाती थी उसके बारे में पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एज एन अप्रूवल ऑफ रॉयल्टी एंड किंग्स मैसेज, मतलब जो मोहर थी वो रॉयल्टी अदा करने के मैसेज और इसी के साथ महाराज का जो राजा थे उनका जो मैसेज था उसको एक तरह से अप्रूवल का संकेत वो करती थी। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो स्टाम्प या जो मोहर यूज की जाती थी वो एक्चुअली जब ट्रेड होता था तो उस टाइम पे पैकेजिंग के तौर पर उनका यूज वो करता था कि पैकेजिंग होगी और उसके बाद में उसे सील और ठप्पा लगा दिया जाए। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? देखो, हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। हमने हड़प्पन सभ्यता के बारे में पढ़ा है कि भाई जो रॉयल्टी के लिए अप्रूवल की बात हो या फिर राजा है वो अपना मैसेज सील के थ्रू देगा, तो पहला स्टेटमेंट साफ साफ गलत होता है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मोहर का जो मैक्सिमम यूज है वो ट्रेड के टाइम पे ही होता था ताकि ठप्पा लगा के जिस तरीके से सीलबंद लिफाफे आते हैं सेम वही कॉन्सेप्ट उस टाइम पे हुआ करता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेद, मतलब सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है और ये एक्चुअली मौर्य टाइम के मौर्यन एज थी मौर्यन एम्पायर के टाइम पे कंपोज है वो किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ऋग्वेद है वो मल्टीपल जो एंसेंट लैंग्वेज थी जैसे संस्कृत हुई, तमिल हुई, पाली, इनमें लिखा गया है। अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो, हम बात यहाँ पे करें पहली बात की, जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो ऋग्वेद था वो तो वैदिक टाइम की बात है और वैदिक टाइम की अगर हम बात करें तो वो मौर्य एम्पायर तो हो ही नहीं सकता, ये तो साफ साफ गलत है। मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। और बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो देखो जो ऋग्वेद था वो तो जो प्राचीन और उस टाइम की जो संस्कृत भाषा थी जो कि आज के टाइम की नहीं, जो देखो स्कूल लाइफ में जो हम संस्कृत लैंग्वेज हमने पढ़ी है वो अलग है और उस टाइम की जो हम एक तरह से बोल सकते जो टिपिकल संस्कृत लैंग्वेज थी उसमें लिखे गए हैं, तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत है वो सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं दो गलत स्टेटमेंट पूछा तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है आसामीज लैंग्वेज के बारे में। क्वेश्चन ये है कि आसामीज इज द पार्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज, मतलब आसामीज लैंग्वेज है वो कौन सी फैमिली का एक पार्ट है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है इंडो यूरोपियन, दूसरा दिया गया है इंडो ऑस्ट्रेलिक सॉरी इंडो एशियाटिक सॉरी ऑस्ट्रेलिया एस्टेटिक, और तीसरा दिया गया आपके सामने टिबेटू बर्मन, और चौथा दिया गया आपके सामने द्रविड़ियन। देखो, हम बात करें जो हमारी हिंदी है फिर जो और लैंग्वेज है संस्कृत वगैरह, ये मेनली एक तरीके से उजागर हुई है वो हुई है इंडो यूरोपियन फैमिली से, तो इसका आंसर यहाँ पे ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद है वो रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऋग्वेद के बारे में है। फिर क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख यहाँ पे जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए किसका मिला है। देखो, वैसे किसका मिला है वो अलग बात है, गाय का मिला है, हाथी का, वो यहाँ पे नहीं पूछा है। आपके सामने जो चार ऑप्शन देखे इसमें से पूछा है कि सबसे ज्यादा जो प्रेयर है सबसे ज्यादा उल्लेख है वो किसका मिला है। पहला ऑप्शन दिया गया कि लैंड और वुमेन, दूसरा ऑप्शन दिया गया वेल्थ प्रॉस्पेरिटी एंड गोल्ड, तीसरा ऑप्शन दिया गया कैटल चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस, और चौथा ऑप्शन दिया गया नन ऑफ द अबो। देखो, हम बात करें सबसे ज्यादा ऋग्वेद में उल्लेख मिला है वो मिला है घोड़ा का, तो आपको अच्छे से पता है क्यों मिला है और जानवरों को मिला है, क्योंकि देखो ऋग्वेद में क्या सीन था, आपको पता है कि घोड़े की वजह से तो जो राजा है वो दूसरे राजा को जीत के लाते थे, तो उस टाइम पे घोड़े की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा थी, इसीलिए उस टाइम पे ऋग्वेद में आपको पता है कि जो स्वयं के यज्ञ वगैरह हुआ करते थे जो कि घोड़े की बलि को लेकर समर्पित है होते थे, तो कहीं ना कहीं ऋग्वेद में घोड़े का उल्लेख ज्यादा था क्योंकि उसकी वैल्यू भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसका सही जो आंसर है वो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि कैटल चिल्ड्रन और हॉर्सेस का उल्लेख प्रेयर है, इनकी इनकी पूजा ज्यादा की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है कि आर्यों ने अपने विरोधियों को दास के रूप में बुलाया, दास वे थे, मतलब दास कौन थे। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है महाजनपदा का कोई कर नहीं दिया, मतलब जिस पर्सन ने महाजनपद में कोई कर नहीं दिया वो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हिंदू धर्म से संबंधित नहीं था। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बलिदान नहीं किया और एक अलग ही भाषा बोल दी। और चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि वे समाज के सेवक नौकरों के आरोप में थे। देखो, हम बात करें जो आज के टाइम पे जो हम दास या स्लेवरी के जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आता है गुलाम का, वो तो मॉडर्न है, वो एक्चुअली उस टाइम की बात नहीं है, आर्यों के टाइम की। तो मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन तो साफ साफ गलत है, आप डी में कंफ्यूज होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बाकी बात करें पहला और दूसरा भी गलत है, ये फैक्चुअल है। इसमें देखो जो उस टाइम पे दास या जो दस्यु वर्ड यूज किया गया था
वो वर्ड यूज किया गया था वो पर्सन जो आपके अपोजिट है, जिस तरीके से आपको एग्जाम्पल मैं बताऊं, खैर टेक्निकली इनकरेक्ट है। जैसे देखो हमारे देश में क्या होता है, जो अपोजिशन की गवर्नमेंट होती है उसकी कुछ चलती थोड़ी है नॉर्मली अगर देखा जा सके एक तरीके से, तो वही बात आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो उस टाइम पे जो आर्य लोग थे उनके अपोजिशन में जो लोग होते थे जो उनके लिए काम नहीं करते, या आप बोल सकते हो कि उनके लिए बलिदान नहीं देते थे, उनके लिए दस्यु या दास वर्ड का यूज है वो किया जाता था। बाद में धीरे धीरे इसको गुलाम के तौर पे वर्ड है वो यूज किया जाने लग गया। तो इसका आंसर यहाँ पे सी है, वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारी डिस्कशन। सबसे पहला जो आर्टिकल आया है वो है इंडस वाटर ट्रीटी प्रोजेक्ट को लेके। देखो इंडस वाटर ट्रीटी प्रोजेक्ट है वो अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबसे सफल ट्रीटी के तौर पर भी जानी जाती है। और यह जो ट्रीटी है ये एक्चुअली वर्ल्ड बैंक के सानिध्य में हुई थी, मतलब इसमें जो मीडिएटर था जो थर्ड पार्टी थी वो वर्ल्ड बैंक थी। ये ट्रीटी हुई थी 1960 में, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान, उनके नेतृत्व में। और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो ऊपर की छह रिवर हैं, कौन कौन सी रिवर हैं उनको भी यहाँ पर देखने वाले हैं, कि उन छह रिवर का जो मैक्सिमम पानी है वो पाकिस्तान को मिलेगा 80% पानी, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई लाइफलाइन है नहीं इन रिवर्स के अलावा, उस 20% पानी इंडिया यूज कर सकेगा, तो वो भी हम देखने वाले हैं। कॉन्टेक्स्ट तो देखो अभी यह है कि आपको पता है कि लास्ट टाइम कुछ पहले काफी बड़ा इश्यू बन गया था कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान है वो काफी मतलब एक तरीके से ट्रेड एक्टिविटी बढ़ा रहा था इसको। लेकिन तो उस दौरान काफी थोड़े आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, और उसी दौरान पाकिस्तान का एक डेलीगेशन था जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रोजेक्ट हैं या जो रिवर्स वगैरह हैं इनको एक तरीके से चेक करने के लिए, इनकी जांच करने के लिए इंडिया वो आने वाला था, तो आ नहीं पाया था। तो अभी वो एक्चुअली डेलीगेशन है वो इंडिया आ रहा है, ताकि जो इंडस रिवर है, जैसे कि यहाँ पे इंडस रिवर की बात करें कि जो उसकी ट्रिब्यूटरी की चेन आप उसको चेक करने के लिए भाई उसका कैसा क्या हाल है उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि ऐसे नहीं कि पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले भी काफी बार वो बार बार आके उन्होंने चेक वगैरह किए हैं। तो कॉन्टेक्स्ट कुछ हमारे लिए दमदार नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडस वाटर ट्रीटी कौन कौन सी रिवर है। देखो हम बात करें इसमें बेसिकली टोटल रिवर है छह, एक तो सिंधु या इंडस रिवर हमारी खुद होगी, इसके बाद में व्यास होगी, रावी, सतलज होगी, और इसके साथ ही चेनाब और झेलम होगी। तो जो ऊपर की तीन रिवर कौन कौन सी हैं, इंडस होगी, चेनाब और झेलम, ये तो दे दी पाकिस्तान को भी आप इनका तो जो पानी है वो आप यूज करोगे, और इसके बाद में व्यास, रावी और सतलज है इनका पानी है वो इंडिया यूज करेगा इस तरीके से। और फिर उसमें भी ये किया गया कि 80% जो मैक्सिमम पानी है वो पाकिस्तान को मिल पाएगा, और जो थर्ड पार्टी के सानिध्य में किसमें हुई थी, वर्ल्ड बैंक के सानिध्य में। अब देखो यूपीएससी की बात तो इनकी सीक्वेंस पूछ लेती है कि जैसे कि नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करिए, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडस चेनाब झेलम रावी व्यास सतलज इस तरीके से इनकी सीक्वेंस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इनके लिए अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इस ट्रीटी में तो उसके लिए एक आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म है वो भी बनेगी है, ताकि कोई भी इश्यूज वगैरह ना हो सके। और परमानेंट इंडस कमीशन है वो भी सेटअप किया गया, ताकि इसके लेके कोई भी इश्यूज वगैरह हो तो उनसे डील है वो की जा सके। अब हम एक बार रिवर का थोड़ा मैप देख लेते हैं, क्योंकि मैपिंग से काफी सारी चीजें वो क्लियर हो जाती हैं। ये तो होगी, देखो आप रिवर देख सकते हो, ये तो यहाँ पे इंडस रिवर होगी जो चाइना से निकलते हुए ऐसे ऐसे योगे वाले, ये होगी इंडस। इसके बाद में होगी ये हमारी झेलम जो कि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर से ही निकलती है। इसके बाद में होगी तीसरी रिवर कौन सी होगी, ये चेनाब जो भी वहीं से निकलती है, तो ये होगी तीसरी। तो क्या क्या गया इस ट्रीटी में, इस ट्रीटी में क्या कि भाई ये तो तीनों नदी है ना, इनका तो मैक्सिमम पानी इसी को मिल रहा है, मतलब सारा ऑलमोस्ट पानी हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि पाकिस्तान को मिल रहा है। इसके बाद तीन रिवर और कौन सी रहेगी, एक तो रावी रह गई है आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये रावी रिवर है, इसके बाद में ये व्यास रिवर है यहाँ पे, और ये यहाँ पे सतलज रिवर है। इन तीनों नदियों का पानी है वो इंडिया भी यूज है वो कर सकता है, इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या गया। तो सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट एक यहाँ पे ये है कि व्यास नदी इंडिया से निकलती है और इंडिया के अंदर ही जो रिवर है जैसे सतलज रिवर उसके अंदर मिक्स हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में जाके मिक्स होती है। बाकी देखो जो सारी भी ट्रिब्यूटरी है ना इंडस की वो सारी पाकिस्तान में जाके मिल रही है, ये देखो इंडस हो गई, इसके बाद में यहाँ पे झेलम रिवर यहाँ आके पाकिस्तान में मिल रही है इसमें, इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो चेनाब रिवर वो भी पाकिस्तान में मिल रही है। तो कहना कि ये पाकिस्तान में जाके सब मिल रही है, बट इंडस की ट्रिब्यूटरी व्यास रिवर ऐसी है जो कि इंडिया के अंदर ही सतलज रिवर में मिल जाती है, तो ये भी एक थोड़ा अपने आप में एक फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इधर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो अभी हमारे लिए यहाँ पे फिलहाल काम की नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। देखो हमारे देश में जो भी एक तरीके से फ्रॉड होता है, जिस तरीके से नीरव मोदी हो या फिर अधिकारियों जो फ्रॉड की हैं, इन फ्रॉड से निपटने के लिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है वो बनाई गई है, और ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो अभी न्यूज में है तो मे बी यूपीएससी पूछ सकती है, आपको कन्फ्यूज हो जाए कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होगी वगैरह, किसके अंडर ये होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है उसके अंतर्गत ये आने वाली है। सुबह सुबह इतनी ठंड में हाथ जमा हो जाते हैं कि लिखने में थोड़ी काफी दिक्कत होती है।
अब देखो ये मल्टीडिसिप्लिनरी एक ऑर्गेनाइजेशन है SFIU, जो क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसके साथ ही दूसरी छोटी एजेंसी को गाइड करती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है व्हाइट कॉलर फ्रॉड रिक्वायरिंग, मतलब व्हाइट कॉलर जॉब कौन सी होती है, व्हाइट कॉलर जॉब होती है नॉर्मली सर्विस सेक्टर वाली जॉब, मतलब व्हाइट कॉलर सरिया हम बोल सकते हैं कि सर्विस सेक्टर के अंदर जो भी फ्रॉड होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, उनकी फोरेंसिक ऑडिटिंग होगी, उनके कॉर्पोरेट लॉ हो गए, इसके साथ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे काम है, इन सबसे डील करनी हो तो SFIU के द्वारा की जाती है। इसको 2003 में बनाया गया था और एक कमेटी थी इसके लिए, वो भी ध्यान रखना नरेश चंद्रा कमेटी थी, जो कि कॉर्पोरेट ऑडिट एंड गवर्नेंस के तौर पे इस कमेटी को बनाया गया था रिकमेंडेशन के आधार पे, और उसने SFIU का निर्माण किया था। और ये इसको एक स्टेचुरी पावर दी गई है, ये ध्यान रखना, सीरियस फूड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत स्टेचुरी पावर है वो दी गई है, तो ये भी थोड़ा फैक्ट अपने आप में स्पेशल है, वो हो जाता है कि भाई इसके पास स्टेचुरी पावर वगैरह है या क्या क्या है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है अटल सेतु को लेकर, कंटेक्स्ट देखो कुछ इतना दमदार नहीं है, बस छोटी सी न्यूज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एक तो अटल सेतु बना कहाँ पे, वो बना यहाँ पे मंदोवीरियोर है, कहाँ पे, गोवा के अंदर है, तो ब्रिज की उद्घाटन है वो किया गया है, लगभग 5.1 किलोमीटर का केबल स्टेज ब्रिज है, ठीक है, ये गोवा की जो कैपिटल पणजी है उसको नॉर्थ गोवा से कनेक्ट है वो करने वाला है, ये तो इसके फीचर की बात कहें। यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो मंदोवी रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे महादाई रिवर की, मतलब सॉरी मंदोवी रिवर को महादाई रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये गिरती कहाँ पे, ये गिरती है अरब सागर में, ये थोड़ा सा बस इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, यूपीएससी की बार पूछ लेती है कि अरब सागर में गिरने वाले नदियों की नाम मतलब चूज कीजिए, तो वहां पे हमें पता होना चाहिए कि मंदोवी या फिर जो महादाई रिवर है वो एक्चुअली अरब सागर में गिरती है, लगभग कर्नाटका में भी फ्लो करती है, महाराष्ट्र में भी और या फिर गोवा में भी, ये इसका छोटा इफेक्ट हो गया। इसको लेके पहले कुछ डिस्प्यूट वगैरह भी चल रहा था गोवा और कर्नाटका में, तो ये छोटी सी न्यूज हमने यहाँ पे कवर की। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। देखो अभी आपने कुछ टाइम पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था ट्रेन 18, जो कि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन थी, सबसे तेज गति से चलने वाली थी, तो जो ट्रेन 18 है इसका नाम रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि चलेगी कहाँ कहाँ से, दिल्ली से वाराणसी के बीच में। इसकी स्पीड कितनी है ये तो कुछ रटने की हमारे कुछ काम की नहीं है, ये ध्यान रखना कि 100% मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनी है, कहीं आंसर राइटिंग में इसको हम पुट है वो कर सकते हैं, और काफी सस्ती पड़ी है ऑब्वियसली, इंडिया ने खुद ने बनाई है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो काफी इम्पोर्टेंट हुआ है सारस क्रेन को लेकर। देखो सारस क्रेन होता कैसे पहले वो देखते हैं, ये इस तरीके का जो कि अभी तक माना जा रहा है कि सबसे बड़ा पक्षी एक तरीके का उड़ने वालों में। देखो ये पाया जाता है एक तो इंडिया वाले रीजन में, मेनली यूपी राजस्थान और इसी के साथ ही कुछ उत्तर जो हमारा MP है मध्य प्रदेश है इस वाले एरिया में है, पाया जाता है बिहार विहार के वाले एरिया में भी, इसके साथ ही जो साउथ ईस्ट एशिया के वाली कंट्रीज हैं उनमें भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी। इसकी लोकेशन देखो आप देखना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो सारस है वो इंडिया के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। कंटेक्स्ट देखो अभी आया था कि साइबेरियन सॉरी जो सारस क्रेन है इनकी संख्या में भी इजाफा है वो हुआ है, 2017 की कंपेरिजन में बात करें तो इनकी संख्या बढ़ी है 2018 में, जैसे यहाँ पे डाटा भी दिया गया है कि 2017 में जो इनकी संख्या थी वो थी 15,138 और 2018 में इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है 15,938, और इनके लिए जो अभ्यारण्य बनाया गया है वो बनाया गया है राजस्थान के अंदर, तो ये भी फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। ये देखो एक नॉन माइग्रेटरी क्रेन है तो आपको ध्यान रखना, मतलब ये इंडिया का है तो इंडिया में पाया जाता है, माइग्रेट वगैरह नहीं करता है, ये नॉर्मली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसके साथ ही हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्सों में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना कि इस एरियो में ये नॉर्मली वो पाया जाता है। अब इसके ऊपर देखो दिया गया है कि जो गर्दन होती है उस पर थोड़ा रेड कलर का मार्क होता है, फिर नीचे व्हाइट कॉलर से बनी हुई होती है, तो ये तो इसकी आइडेंटिफाई के तौर पर यहाँ पे दिया गया है। ये ध्यान रखना कि इसकी पॉपुलेशन है वो यूपी में मैक्सिमम ज्यादा है, और वहाँ पे इसकी पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ भी रही है अभी, और वहाँ पे मतलब इनका नेचुरल हैबिटेट वगैरह आवास सब है। अब यहाँ पे नीचे फैक्ट इम्पोर्टेंट क्या है, टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है वर्ल्ड का, इसके साथ ही इंडियन है वो इंडिया में पाया जाता है, मतलब कहीं और नहीं पाया जाता है, ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट हो गया है। और IUCN की स्टेटस की बात करें तो वनरेबल में, ये और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका कि जो सारस क्रेन है वो वनरेबल लिस्ट में आता है IUCN की, और पाया कहाँ जाता है वो भी हमने देख लिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के हिस्सों में पाया जाता है, तो उसको लेकर ये छोटी सी न्यूज थी जिन्होंने हमें यहाँ पे कवर किया। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन के लिए इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।